नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्षीय कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवि रामदास दिनकर जी की रचना कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस पाठ का हम अंतिम पद देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो चलिए इस पद को हम देख लेते हैं कि युद्ध की ज्वर भीति से हो मुक्त। कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का श्रेष्ठ सर्ग है प्यारे विद्यार्थियों। युद्ध की ज्वर भीति से हो मुक्त, जबकि होगी सत्य ही वसुधा सुधा से युक्त। श्रेय होगा सुष्टु विकसित मनुज का वह काल, जब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल। श्रेय होगा धर्म का आलोक व निर्बंध, मनुज जोड़ेगा मनुज से जब उचित संबंध। सौम्य की वह रश्मि स्निग्ध उद्दार कब खिलेगी विश्व में भगवान। कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो, सरल होंगे जली सुखी रसा के प्राण। तो ये पहली वाली पंक्ति है, सबसे पहला जो पद आरंभ होता है वहां पर ये पंक्तियां आती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर कवि की क्या चिंता या मन कामना विचार है व्यक्त हो रहे हैं। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश कवि रामदास दिनकर जी द्वारा रचित कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य के षष्ठ सर्ग से उद्धृत है, और इसमें कवि ने आज का जो वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक युग है या वैज्ञानिक जो मानव है, इस वैज्ञानिक युग में जो विध्वंसक अस्त्र शस्त्र है वह मानवता के लिए अभिशाप है। साथ ही साथ कवि ने यहाँ पर यह भी बताया है कि कब वह धरती है ये मानवता के कल्याण के कामना के साथ यहाँ पर कवि एक चिंता व्यक्त कर रहा है कि कब ये धरती इस युद्ध के उन्माद से रहित होगी, कब ये धरती प्रेम और सुंदर भावों से कल्याण मानव जाति के कल्याण भावों से जो युक्त होगी, उसका प्रसार होगा धरती पर, सरस जो संबंध है उसका प्रसार कब होगा, इस प्रकार से कब मानव जाति का कल्याण होगा, इसका चित्रण इसमें किया गया है। तो देखिए कुछ एक शब्दार्थ हम देख लेते हैं। ज्वर भीति का मतलब ज्वर मने वैसे बुखार रूपी भय मने डर, भीति का अर्थ डर भय, कौन से युद्ध का जो ज्वर है, किसका ज्वर है, युद्ध का युद्ध के जो बुखार रूपी जो भय है, ज्वर रूपी जो भय है, उसे कब मुक्त होगा, आजाद होगा, जबकि होगी सत्य ही, सत्य मने वास्तव में यथार्थ में, वसुधा मने धरती किससे, सुधा मने अमृतमय। अब कैसे अमृतमय, मानव प्रेम स्नेह अच्छे संबंध उस रूपी अमृत के आनंद से, स्नेह आनंद से युक्त होगी। और श्रेय होगा, श्रेय मने कल्याण, सुष्टु मने सुंदर, विकसित मनुज का वह काल, मनुष्य का वह काल, ये समय देखिए, जब नहीं होगी धरा पर धरती पर नर मनुष्य के रुधिर मन रक्त से लाल। श्रेय होगा धर्म का आलोक मन प्रकाश, निर्बंध मन निर्बाध बाधा रहित, बिना रोक टोक बेरोक टोक। मनुज मन मनुष्य, मनुष्य उत्पन्न मनुज हो गया, जोड़ेगा मनुज से जब उचित संबंध, आपस में प्रेम का संबंध जोड़ेगा। सौम्य मन सौम्यता, यहाँ पर सौम्यता से अर्थ ले सकते हैं, साम्यता से भी अर्थ ले सकते हैं, साम्य। रश्मि का अर्थ किरण है, किरण कौन सी है, स्निग्ध मने स्नेह से युक्त, स्नेह उदार। कब खिलेगी विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति यानी मानवता के कल्याण की ज्योति। अभिषिक्त का मतलब ऐसे नहलाई हुई सरस होंगे जली का मतलब यहाँ संतप्त है, युद्ध इत्यादि संतप्त हो धरती से, जो सुखी है धरती, रसा मने धरती। अब देखिए यहाँ पर युद्ध की विभीषिका से कब कैसे ये धरती कैसे रहित हो, इसके बारे में देखिए मानवतावादी दृष्टिकोण यहाँ पर व्यक्त हुआ कवि का मानवतावादी
दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। कवि सबका कल्याण चाहता है, कवि मानव का कल्याण चाहता है। देखिए किस प्रकार से कल्याण की भावना व्यक्त कर रहे हैं रामदास दिनकर जी, कि युद्ध की ज्वर भीति से हो मुक्त, जबकि होगी सत्य ही वसुधा सुधा से युक्त। अर्थात यहाँ पर मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए रामदासी दिनकर जी कहते हैं, संवेदना का स्वर व्यक्त कर रहे हैं कि कब वह दिन ऐसा आएगा जब यह धरती युद्ध की ज्वर से ज्वर रूपी भीति से या बुखार रूपी डर से, युद्ध की जो बुखार रूपी जो डर है, ज्वर रूपी जो डर है, उससे भय से मुक्त होगी। ठीक है, जैसे शरीर में बुखार होते हो तो भयभीत हो जाते हैं, ऐसे यहाँ पर कवि यहाँ पर युद्ध को ज्वर के समान माना है, बुखार के समान माना है। तो युद्ध के ज्वर से रहित कब होगी, ज्वर के डर से कब ये धरती मुक्त होगी, जबकि होगी सत्य ही वसुधा सुधा से युक्त। अर्थात ये जो धरती है वो यथार्थ में, वास्तव में ये धरती है वो सुधामय यानी अमृतमय, आनंद से युक्त, मानव प्रेम से आनंद से युक्त होगी। और सत्य ही वह समय कब आएगा हे भगवान, ऐसा समय वो कब आएगा, ऐसा दिन कब आएगा जब ये धरती वास्तव में सुधामय यानी अमृतमय अर्थात आनंद प्रेम मानव कल्याण की भावना से युक्त, आनंद से युक्त हो जाएगी। श्रेय होगा सुष्टु विकसित मनुज का काल, और कब ये जो मनुष्य का युग है या मनुष्य का जो ये समय वर्तमान का जो समय है वो कब सुष्टु मैंने सुंदर विकसित और कल्याणकारी होगा। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं रामदास दिनकर जी कि हे भगवान कब ऐसा दिन आएगा जब ये मनुष्य का जो समय है वर्तमान मनुष्य का जो समय है वो कब कल्याणकारी सुष्टु मने सुंदर और विकसित होगा। जब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल, कि जब युद्ध हिंसा आदि से ये धरती मानव के रक्त से लाल नहीं होगी, कि कब जब नहीं होगी, ऐसा दिन आएगा कि जब नहीं होगी धरा नर के रुधिर से लाल, ये जो धरती है वो मनुष्य के रक्त से लाल नहीं होगी। अर्थात कोई किसी का रक्त नहीं बहाएगा, कोई हिंसा नहीं करेगा, ऐसा धरती, ऐसी धरती की कामना करते हैं कवि। श्रेय होगा धर्म का आलोक वह निर्बंध, अर्थात कब वह कल्याणकारी मानवता का कल्याण होगा और मानवीय धर्म का जो प्रकाश है, धर्म का प्रकाश, तो धर्म का आलोक का मतलब यह मानव धर्म से है, मानव धर्म का प्रकाश कब फैलेगा चारों ओर, मानव धर्म का जो प्रकाश है कब, तब मानवता का कल्याण होगा और मानवीय जो धर्म का जो प्रकाश है वह बिना किसी, वह निर्बाध, निर्बंध का मतलब बिना किसी बाधा के चारों ओर फैलेगा। अर्थात मानव के कल्याण की भावना, मानववादी मानवीय जो धर्म है उसका प्रसार बिना किसी बाधा, बिना किसी रोक टोक के सब जगह प्रसारित होगा, पूरे विश्व में छाएगा। और मनुज जोड़ेगा मनुज से जब उचित संबंध, कि तब मनुष्य है एक दूसरे के साथ है, मनुष्य एक मानव दूसरे मानव के साथ मानवता से युक्त स्नेहपूर्ण पवित्र संबंध को स्थापित करेगा। सौम्य की वह रश्मि स्निग्ध उद्दार, अर्थात हे भगवान इस धरती पर साम्यवादी या सौम्यता से युक्त ये जो धरती है, या समतावादी विचारधारा हम कह सकते हैं, सौम्यता साम्यवादी विचारधारा को हम कह सकते हैं कि वह साम्यवादी विचारधारा की या सौम्यता की, वह स्नेह से युक्त, प्रेम से युक्त, वह रश्मि उदार यानी स्नेह से युक्त और उदार जो किरणें हैं, रश्मि हैं, वो कब फैलेगी। कवि यहाँ पर कामना कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों कि कब वह पवित्र साम्यवादी विचारधारा से युक्त या सौम्यता से युक्त स्नेह की, स्निग्ध का मतलब स्नेह से प्रेम की, और उदार जो रश्मि यानी किरणें कब इस धरती पर फैलेगी। अतः सब प्रेम स्नेह से युक्त हो जाएंगे, कब सारे मानव स्नेह और उदार भाव से युक्त हो जाएंगे और उसकी जो किरणें हैं वो समस्त जगत में फैल जाएगी। और कब खिलेगी विश्व में भगवान, कब वह ऐसा पवित्र मानवीय जो भावनाएं हैं, ऐसी विचारधारा, जब मानव पवित्र भावनाएं
धारण करेगा। तो ऐसे ही पवित्र मानवीय भावनाओं की जो सुनहरी किरण है वो किस प्रकार से कब फैलेगी और साथ ही साथ कब खिलेगी, कब खिलेगी विश्व में भगवान अर्थात जो मानवीय भावना की जो सुनहरी किरण है वो कब खिलेगी, कब विकसित होगी और वह सारे संसार को कब आलोकित करेगी, कब वो फैलेगी, कब खिलेगी, मतलब जो मानवीय भावनाओं से युक्त जो किरण है वो सुनहरी किरण कब खिलेगी, पूरे विश्व को आलोकित करेगी और कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो और कब उस मानवीय जो सुकोमल ज्योति का मतलब मानवीय निर्मल ज्योति, मानवता की प्रेम की जो निर्मल ज्योति है वह ज्योति कब अभिषिक्त होगी, यानी कोमल ज्योति से अभिषिक्त होगी, यानी मानवीय जो चेतना है, मानवीय निर्मल चेतना है वह सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त होगी यानी नहाएगी। मानवीय चेतना कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त होगी यानी नहाएगी, यानी चेतना में जो है क्या शामिल हो जाएगा, सुकोमल ज्योति, सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त होकर के वह सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण, सब फिर से सरस होंगे प्रेम से भर जाएंगे। ये जली सुखी यानी जली सुखी का मतलब ये युद्ध के उन्माद से जो संतप्त है, यहाँ धरती किससे जल रही है, युद्ध के उन्माद से, युद्ध के उन्माद से जली धरती, संतप्त धरती कब सरस होगी, प्रेम से युक्त हो जाएगी, आनंद से युक्त हो जाएगी। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि सरस होगी जली सुखी रसा के प्राण कि वह इस युद्ध के उन्माद से संतप्त धरती, भयभीत प्राणों में सरसता का संचार कब होगी या सुख शांति का संचार है वो कर सकेगी, कब ये धरती है वो एक युद्ध के उन्माद से जो संतप्त है तपी हुई है ऐसी धरती, धरती के भयभीत प्राणों में सरसता का सुख शांति का संचार कर सकेगी। कब ऐसा सुदिन आएगा, कब ऐसा अच्छा दिन आएगा, जब मानव मानवता के कल्याण का जो मार्ग है वह प्रशस्त हो जाएगा, मानवता के कल्याण का मार्ग खुल जाएगा, सब मानव मानव प्रेम भावना से रहेंगे, सरसता रहेगी। कब ऐसा दिन आएगा, कब ये युद्ध का जो उन्माद है वो समाप्त हो जाएगा, युद्ध का एक नशा है ये समाप्त हो जाएगा, तब धरती प्रेम भाव से युक्त हो जाएगी, मानव मानव है वो मानवता के कल्याण के सोचेगा और मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। तो प्यारे विद्यार्थी ये था पद, और विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है यहाँ पर कि कवि ने यहाँ पर मानवतावादी चेतना व्यक्त की है, मानवतावादी चेतना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है इस पद में कि सारे संसार में सुख शांति स्नेह से युक्त होना चाहिए, ऐसे कवि की कामना है कि सारा संसार सुख शांति स्नेह बंधुत्व समता सहयोग सरसता सरलता आनंद आदि का संचार की कामना यहाँ पर कवि ने की है कि सारे विश्व में सुख शांति हो, स्नेह हो, भाईचारा हो, बंधुत्व हो, समता हो, सहयोग हो, आनंद इत्यादि भावों का संचार हो, युद्ध का उन्माद विध्वंस हो जाए और शस्त्र अस्त्र का निर्माण नहीं हो और विज्ञान का जो अतिवादी बौद्धिकता है उसका विरोध यहाँ पर व्यक्त किया गया है। साम्य की रश्मि का तात्पर्य यहाँ पर या सौम्य की रश्मि से तात्पर्य यहाँ पर है साम्यवादी विचारधारा न करके यहाँ पर मानवतावादी जो समतामूलक समाजवाद है उससे यहाँ पर किया गया है कि मानवतावादी समतामूलक विचारधारा, इससे संसार में विश्व बंधुत्व का प्रसार होगा। और अनुप्राश वसुधा सुधा में यमक अलंकार है, ज्वर भीति में रूपक अलंकार है। देखिए यहाँ पर वसुधा सुधा में अनुप्रास तो है ही है, वसुधा सुधा में यमक अलंकार है, ठीक है, सबंग अमंग अलंकार हो गया, एर इसमें ज्वर भीतिस में रूपक अलंकार हो गया, और प्यारे विद्यार्थियों जली सुखी रसा में विरोधाभास अलंकार हो गया, विरोधाभास अलंकार हो गया, और प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर विज्ञान के अतिवाद का विरोध भी किया गया है, तो पर्यायोक्ति अलंकार भी है, विज्ञान के अतिवाद का यहाँ पर वर्णन विरोध किया गया तो पर्यायोक्ति अलंकार भी है, और भाषातसम शब्दावली से युक्त है, छंद की यति गति तुकांत योजना उचित है, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों पद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज ये रामदास दिनकर जी का ये अंतिम, ये इस कविता का अंतिम पद है, तो आशा करता हूँ ये ठीक से समझ में आ गया होगा। तो
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे आगे के कवि धर्मवीर भारती जी की कविता कनुप्रिया को लेकर के। तब तक के लिए आप इस पद को जो रामदास दिनकर जी के कुरुक्षेत्र काव्य के षष्ठ सर्ग से उद्धृत है, इस पद को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, अर्थ ग्रहण करेंगे और नोट्स बना करके याद भी करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।